हिमाचल प्रदेश में राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारी नियमित पे स्केल के लिए कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मांग न मानने पर ये स्ट्राइक आज से 4 घंटे हो गई है। ये कर्मी काले बिल्ले लगाकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। मंगलवार को भी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी रही और लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। आरकेएस यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने बताया कि आईजीएमसी के 55 आरकेएस कर्मचारी हैं जो लंबे समय से नियमित पे स्केल की मांग कर रहे हैं। आज से उनकी हड़ताल सुबह 8 से 12 बजे तक चलेगी। उन्होंने ये बताया कि पहले भी 60 कर्मचारियों को नियमित पे स्केल में लाया गया है। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये प्रदर्शन आगे बढ़ जाएगा। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 8 ईयर, जो 8 साल की कम्प्लीशन हमारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी 2 साल ऊपर हो गए और हमारी डिमांड यही थी कि सरकार इससे संज्ञान ले और हमारी जो डिमांड है रेगुलर पेस के उसको जल्द से जल्द पूरा करे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ करने जा रही है सरकार। इससे पहले भी 39 को 2018 में पे स्केल मिल चुका है, फिर 2016 में 1 को टांडा में इसी सिनेरियो पे आईजीएमसी बेसिस पे टांडा में दिया गया और नाहन में भी 2018 में नाहन में भी दिया गया और 2019 में एक बार फिर आईजीएमसी में ईसी की मीटिंग में ही एक कैंडिडेट को दिया गया है। तो 60 जो कैंडिडेट्स से एम्प्लॉइज है उनको ऑलरेडी पे स्केल मिल रहा है, बट हम जो 55 है जो रेस्ट आउट जो बचे हुए उनको अभी तक ये मिला नहीं है जो पे स्केल हमारी जो डिमांड है। तो हमारे पास यही आश्वासन है गवर्नमेंट से भी कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जाए और हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। हमारा नोटिस हमने दे दिया था कि 4 घंटे हम इस स्ट्राइक को करेंगे, अगर इस चीज़ को पूरा नहीं किया जाता तो टाइमिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी और उसके लिए हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम प्रायर नोटिस दे के जो मेमोरेंडम है हमारा वो हम देंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाएंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।